कलेवा के लिए महलों में लाना है। समस्या है, मैं अयोध्या की नाई को पहचानता नहीं हूं। महारानी सुनैना का संदेश अयोध्या के नाई तक पहुंचाऊं तो कैसे? चलता हूं जनवासे की ओर और पता करता हूं अयोध्या के नाई का और महारानी सुनैना के द्वारा दिया गया आदेश उस तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो चलता हूं जनवासे की ओर। हो ला 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 धान है और चक्की वाला मरगा लोगाई परेशान जिसकी भी भी अंधी उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी भी भी अंधी उसका भी बड़ा नाम है। टमाटर पकड़ा दो कई दो काला जाम। चलते चलते जन्माष्टमी तक आप पहुंचा। आज जिसकी भी ना हो उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी भी ना हो उसका भी बड़ा नाम है। सबको अपनी समझो बीबी का क्या काम है। देख रहा हूँ सारी बारात बड़े आराम से विश्राम कर रही है, परंतु यह व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहा है। और ये हमारे सप्ता भैया की तरफ से ये 21 रुपए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अंदर ही से कोटा करके आते हो और नहीं तो का। चलिए पापा को हमारे रोज अम्मा मारे। विचित्र भी दिखाई दे रहा है, क्यों ना हो इसी से अयोध्या की नाई का पता करता हूँ। अरे पापा को हमारे रोज अम्मा मारे। भैया जय किशोरी जी की। बीज बकरी किनारे और दई दई मारे। अरे वाह। तो पापा को हमारे रोज अम्मा मारे। और ये आ गए हमारे रामाश्री दादी बड़ी भेड़ी खिरवा, उनकी तरफ से किस फुसुंदरा है। बाबो धन्यवाद, बाबो साधुवाद। भैया जय किशोरी जी की। कौन आ बामा था? पीछे देखो, पीछे हाँ। पीछे तो शुतुरमुर्ग के पांव है। मुड़ करके देखो कहाँ से। अरे इस तरफ मुड़ो, पीछे कहाँ? इधर उधर नहीं आए। रतौंधी आती है क्या? कहाँ से? जय किशोरी जी की। तुम आ बोल रही थी? अरे बोल रही थी कि बोल रहा था। ते आदमिया का तुम्हें का दिखाई दे रहा है? ते आदमिया तो तोरी मूछे का। अच्छा मतलब मूछ नहीं है तो वो आदमी नहीं है। ऐसे तो हमारी अम्मा की नहीं है। अरे
तुम्हारी माता जी की नहीं है क्या स्त्री की कोई मूछ होती है? स्त्रियों की मूछ नहीं होती। हमारी अभी उम्र नहीं हुई, उम्र के अनुसार व्यक्ति के बाल आते हैं, तो उम्र आएगी तो मूछें भी आ जाएंगी। क्या क्या झूठ बोलता सवेरे बना होता ना थे, तुमने कहा देखा है? अगर सुबह बनाई होती तो ये जो थोड़ा थोड़ा दिख रही है ये होती ना। झूठ क्या बोलो कर रहा था? अरे ना ये अगर हमने बनाई होती तो ये दिखती ना। अच्छा एक पहले बात होता बता, अगर तो स्त्री न हुई तो फिर कौन है इस तरह? अरे ये इस तरह ये कौन सा शब्द है? ओ ये कहा है? अब ये तुम पता करो ये क्या है? क्या है? यू यू नहीं है, वो वी है। वी वी कोई कौन आवत जाता है? क्या कहा तुमने? यू ने क्या कहा? वी। अब फिर बी कर दो। क्या कर बी कर दे? क्या होगा? नहीं तो ये पहले बताओ। रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए। वी 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 पोस्टमार्टम करो। ये पहले बताओ आदमी में कितने लिंग होते? अरे हमने तो तीन सुने हैं। कौन कौन? स्त्री। अच्छा ये बताओ आदमी में तुमने लिंग कहाँ से सुन लिए? मतलब है लिंग कितने लिंग कितने होते ये पूछो। हाँ तो हमने स्त्री लिंग सुना है, पुल्लिंग सुना है और एक नपुंसक लिंग सुना है। तीन ही होते अब का और? ये पागल है। नहीं पांच लिंग होते हैं। अच्छा तुम्हारे अनुसार पांच हो गए, तुमने पूरी व्याकरण ही बदल दी। हाँ कैसे? स्त्रीलिंग एक हो गया, पुरलिंग दो, नपुंसक लिंग तीन, शिवलिंग। अच्छा शिवलिंग भी इसकी गणना में शिवलिंग आ जाएगा। और एक और लिंग होता है वो कौन सा है? डार्लिंग। डार्लिंग ये पाश्चात्य सभ्यता की भाषा का प्रयोग ना करो। अरे तो ये तो होता है ना, वो कालांतर में आएगा, अभी नहीं होता है। अच्छा ये पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा क्या नाम है पहले ये बताओ। पहले तुम अपना नाम बताओ। अच्छा ये आवश्यक है हम अपना नाम बताएं? हाँ गिरधारी। हैं गिरधारी? गिरधारी गिर। तुम्हारा नाम गिर? अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम्हारा नाम गिर? अरे लो तुम्हारा नाम गिरधारी? हाँ गिरधारी। ये तो हमारे कुत्ते का नाम है। अच्छा मतलब जो तुम्हारे कुत्ते का नाम है तो तुमने भी हमारी समता अपने कुत्ते से कर दी। देखो ये आवश्यक नहीं है कि जो तुम्हारे कुत्ते का नाम हो तो वो, जैसे हमारा नाम गिरधारी है और तुम्हारे कुत्ते का नाम है तो क्या ये आवश्यक है कि हम भी कुत्ता है? पूंछ भर के कमी है, पूंछ भर की कमी। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है, हमारा नाम बहुत अच्छा है। क्या है? हमारा नाम है मिस्टर। अच्छा मिस्टर। महोदय और श्रीमान, श्रीमती, मैं मती। अच्छा मतलब श्रीमती भी, मतलब पुल्लिंग भी और स्त्रीलिंग भी, तुम दोनों में आते बीच में हो क्या? बीच वाले होने यहाँ का घुसे। समझदार तो मेरा नाम मिस्टर, महोदय, श्रीमान, श्रीमती, मैं मती, मोर अम्मा मती। मेरा नाम है क्या? मुक्ता। मुत्ता मुत्ता नहीं, मुक्ता। तो वही तो बोल रहा है मुत्ता। अरे मुत्ता नहीं, छोटा मुंह धक्का बड़ा था बराबर मुत्ता। ऐसा नहीं बोल मुंह, हम तुम्हारे जैसा ये मुंह ना बना पाएंगे। बनाना ना हम ना बना पाएंगे। हाँ बनाओगे परी? हम केवल बोलेंगे। अच्छा छोटा मुंह, छोटा मुंह आधा का बड़ा था बराबर मुत्ता। नमनिए अब ये क्या है? जानी
हम वो चीज हैं कि ना गोलियों की बौछार से ना ये परिवार दिगार से ये बंदा डरता है तो मात्र लुगाई के मार से। बहुत वीर हो, मतलब घरवाली से पिटते रहते हो। डीजे डीजे जगतराज डीजे। अच्छा से बोलना। अच्छा तुम वर्ण विच्छेदन करके बताओ। वर्ण विच्छेदन करो। कैमा वर्ण विच्छेदन कैसा? समझ नहीं रहे हो? तो चलो ठीक है, ये तुम्हारे विषय से बाहर है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम मुक्ता, तुम्हारा कोई भाई है? अकेले हो? मुक्ता नहीं। अच्छा मुक्ता। एन बसंती। मतलब मैं तुम्हें बसंती दिखाई दे रहा हूँ। ए बसंती चल नाच के दिखा रहे। अच्छा मैं नाचने वाली दिखाई दे रही हूँ। नाच नाच डीजे डीजे जगतराज डीजे। बहुत मारे जाओगे, मिथिला है होश में रहना। आ मेरा भाई है। क्या नाम है उसका? ये भाई बैठा है। नाम क्या है उसका? है लो, ऐसा भाई है वो भाग गया। कोई बात नहीं, भाग जाने दो। अच्छा उसका नाम क्या था? मेरा नाम मुक्ता, इसका नाम सुक्ता। मतलब तुम्हारा मुक्ता उसका नाम सुक्ता। नाम कैसे पड़े? जब मैं बहुत छोटा था, मतलब इतना था। अच्छा मतलब इशारा इतना कर रहे हो, छोटे थे। हाँ जब मैं पैदा भते हूँ। अच्छा पैदा इतने बड़े हुए थे तुम? ओ अरे इतने बड़े कोई पैदा नहीं होते। मैं इतना पैदा भतो, उसको थोड़ा और कम करो। और मोर भाई इतना रहा है। काय अंडे से पैदा हुआ था तुम्हारा भाई? अरे वो छोटा था। अच्छा मतलब तुम बड़े थे। हाँ मैं बड़ा था। वो इतवार को पैदा हुआ था। तुम? मैं रविवार को। फिर अंतर क्या हुआ? फिर बड़ा कौन है? अरे वो मुझसे 6 महीने बड़ा है। अब मुझसे 6 महीने जेठा हूँ। फिर छोटा कौन है? अरे बता तो दी हूँ कि वो रविवार को पैदा हुआ था। अब मैं इतवार को। बात तो वही हुई ना, मतलब ये है कि तुम जुड़वा हो। हाँ, जुड़वा है। पता है हम कैसे पैदा हुए? कैसे? दहशत से। अच्छा दहशत से कैसे पैदा हुए? पता है एक दिन हमारे घर में चोर घुस गयो। अच्छा चोर घुस गयो? हाँ घुस गयो। घुस गया? हाँ घुस गयो। फिर उसने सब कुछ लूट लिया। सब कुछ ले गया, सोना चांदी हीरा मोती ऊसा भूसा राख। सब कुछ मतलब राख भी ले गया। सब कुछ लूट लिया। और हम अम्मा अम्मा के पेट में थे। अच्छा फिर वो आया, उसने अम्मा के पेट में बंदूक गड़ा दो। तो तुम हमारे पेट में क्यों लगा रहे? थोड़ी देर तक ही अम्मा बंदूक पेट में अम्मा के बंदूक घड़ा दिया। अब उसने कहा ए जो कुछ अंदर हो बाहर निकाल दो। तो हम अम्मा के पेट में थे, सामने करके ठाड़ हुए। इस प्रकार तुम दहशत से पैदा हुए हो। दहशत से पैदा। अच्छा चलो ठीक है, ये तो तुम्हारा परिचय हो गया। तुम एक कार है हमें, तुम अयोध्या की नाई को जानते हो? ले इसका पता नहीं कि मुझको नबुआ। चलो कोई बात नहीं। क्यों? मैं नबुआ। अच्छा तुम अयोध्या के नाई हो? यस। तो फिर हम मिथिला के नाई हैं भैया। जय किशोरी जी की। जय राम जी की। अरे ना किशोरी जी की जय बोलो। नहीं हमारे अयोध्या में जय राम जी की बोली जाती है, हमारी मिथिला में किशोरी जी की जय बोली जाती है। ऐसा करते हैं दोनों इकट्ठा कर लेते। हाँ इकट्ठा कर लो, ये अच्छा रहेगा। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम जी की। अब सुनो, कायदे में सुनो। महारानी सुनेना ने एक आदेश दिया है। कैसा? विवाह राम जी का हो गया है। अब विवाह की कुछ रस्में होती हैं और उन रस्मों में एक रस्म शेष है, वो है कलेवा। राम जी की शादी हो गई? हाँ राम जी की हो गई, भरत जी की हो गई, लखनलाल जी की हो गई और शत्रुघ्न जी की भी हो गई। अरे तुम रो क्यों रहे हो?
अरे इधर तो सुनो, तुम बारात में आए हो, रुदन कर रहे हो। राम जी की शादी हो गई। राम जी सरयू नदी किनारे कह रहे थे, मुक्ता भैया जहाँ हमारी शादी होगी वहाँ तुम्हारी भी करवा देंगे। अब बताओ राम जी, मुझको चरो चरा टुन्न घुमा रहे हैं। है? राम जी हमने तो ये सुना था जो अयोध्या के ना ए, जो अयोध्या के नाई है वो राम जी के सखा है। हाँ, और तुम सखा होकर के राम जी की शादी हो रही है और तुम्हें दुख हो रहा है। इसलिए दुख हो रहा है कि राम जी ने कहा था कि मुक्ता भैया जहाँ हमारी शादी होगी वहाँ तुम्हारी भी करवा देंगे। अभी समय है, तुम्हारी हो जाएगी, परेशान ना हो। क्यों, वहाँ नौनिया है क्या? बहुत सारी हैं। सही बता। और क्या, लुफड़ा है ना करे। ये भाषा ना प्रयोग करो मिथिला में, ऐसा बहुत है। तुम राम जी से कहना विवाह हो जाएगा, तब तुम चारों कुबारों को कलेवा के लिए महलों में ले आना, हम चलते हैं महलों की ओर। ठीक है, तुम जाओ।